हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं डैंड्रफ। जिन बच्चे के बाल में डैंड्रफ हो जाते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ये दोनों बातों पे आज मैं आपसे डिटेल में मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को। इस वीडियो को स्किप नहीं करें सो दैट सभी यहाँ पे जितनी भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी शायद आपके लिए वो यूजफुल हो सकती है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि डैंड्रफ क्या होती है। आप सभी जानते होंगे जो बवाल में जो वाइट वाइट सी मीन्स वो जो फ्लेक्स होती हैं, जो रूसी होती है, डैंड्रफ को रूसी भी बोलते हैं। तो वो जब हमारे हेयर में, बच्चे के हेयर में वो फैलने लग जाते हैं, वो एक तरह की फंगस होती है, बैक्टीरिया होती है, जो बच्चे के सर में फैलने लग जाते हैं। ये मोस्टली आपने देखा होगा ये विंटर्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे हेयर्स को ह्यूमिडिटी कम मिल पाती है। इस वजह से हेयर जो हमारे स्काल्प होती है, हेयर होती है, वो ड्राई होने लग जाते हैं, मीन्स ड्राई हो जाती है आगे से, फोर हेड से, बीच में, सो दैट ये जो रूसी है, डैंड्रफ है, ये उस टाइम ज़्यादा फैलने लग जाती है। अब बात करती हूं कि गर्मियों में भी तो ये रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है बच्चे को, तो ये की रीजन क्या होती है, ये क्यों हो जाती है। कभी कभी आपने देखा हो क्या, बच्चे को रोजाना आप मतलब शैम्पू करते हो, सर से नहलाते हो, तो चलो सर से नहलाना वो एक अलग बात है, बट आप रोज शैम्पू नहीं करो। आप आज भी आपने किया, कल भी आपने किया, आप वीक में कम से कम 2 से 3 बारी आप ही करो, ज्यादा आप डेली वे में आप नहीं करो। अब मैं अपनी सेकेंड में आपको पॉइंट्स बताती हूँ, नॉट शैम्पू इनफ। कभी कभी वैसा भी हो जाता है कि कुछ ज़्यादा ही शैम्पू करने लग जाते हैं हर एक दिन। कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि कोई मीन्स 1 वीक उन्होंने मीन्स नहीं किया शैम्पू, 2 वीक्स नहीं किया, या फिर 7 दिन 8 दिन के बाद वो शैम्पू कर रहे हैं, तो वैसे भी नहीं करनी है। वीक में कम से कम एटलीस्ट आप 2 से 3 बार आप ज़रूर करो, ना कम करो ना ज़्यादा करो, एक बैलेंस लेके चलो, 2 से 3 बार सही है। आप बच्चे को सर से नहला रहे हो बट शैम्पू आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, 2 से 3 बार काफ़ी इनफ। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज ऑयली स्काल्प। आपने देखा होगा कि ऑयली हेयर हो जाते हैं, अंदर से आप कभी टच करोगे तो वो ऑयली वॉयली आपके फिंगर्स पे लगेंगे। आपने ये भी नोटिस किया होगा, ये हम बड़ों में भी होती है कि कभी हम अपने हेयर को शैम्पू भी नहीं करते हैं, 4 डे 5 डेज हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिक खुद पे खुद वो हेयर हमारी ऑयली होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्काल्प है वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं सो दैट हमारी जो हेयर है वो मॉइस्चराइज रहे। एंड कभी कभी आप शैम्पू नहीं कर पाते हो 1 वीक भी, ज्यादा एक्सेसिव ऑयल भी अगर हमारे हेयर में मीन्स हो जाते, प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उससे भी डैंड्रफ हो जाने के काउज होते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि 7 डेज में आप 3 डेज भी शैम्पू कर रहे हो, दैट्स इनफ। रोजाना किसी भी चीज को करना भी वो भी खराब होती है हमारे स्किन के लिए भी, सेम चीज बच्चे में भी अप्लाई होती है। तो इसलिए आपको बच्चे में वीक में 2 से 3 बार आप शैम्पू करो, दैट्स टोटली इनफ। सो अब हम लोग बात करते हैं होम रेमेडीज की, ऐसा क्या चीज इम्प्लीमेंट करें जो डैंड्रफ इस होम रेमेडीज से ही कंट्रोल हो जाए। तो नंबर 1 मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एप्पल सीडर वेनेगर। आपको कोई अलग तरह की वेनेगर नहीं लेनी है, यहाँ पे आपको सिर्फ एप्पल सीडर वेनेगर ही यूज करनी है। यहाँ पे इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहता है, साथ ही साथ जो फंगी जो हमारे हेयर स्काल्प में जिस वजह से ये डैंड्रफ फैल रही है, ये वेनेगर उसे स्प्रेड होने, फैलने नहीं देता है, कंट्रोल करना है। इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूं। सपोज करो अगर आप 2 स्पून अगर आप वेनेगर ले रहे हो तो 2 स्पून इसके साथ आपको वाटर मिक्स करनी है। एंड इसे बच्चे के वो जो हेयर के जो जड़ में रूट में आपको इसे थोड़ी मसाज करनी है। एंड 20 मिनट जब हो जाती हैं तो उसके बाद आप जो बच्चे के शैंपू आप यूज करते हो उस शैंपू से आप उसके बालों को धो दे। अब चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की ओर। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एलोवेरा। अगर आपके पास घर में प्लांट है तो आप नेचुरल एलोवेरा आप यूज कर सकती हैं, अगर नहीं है तो वो जो ट्यूब में जो मार्केट में जो एलोवेरा आती है वो भी आप यूज कर सकती हैं। एलोवेरा रिच इन विटामिंस, इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल भी ये प्रॉपर्टीज इसमें होती है। बहुत ही स्किन के साथ साथ ये हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। ये नेचुरल सी चीज है। आप एलोवेरा आप बच्चे के रूट में मसाज करो, लिव इट फॉर 20 टू 13 मिनट, देन रॉइज इट विथ नॉर्मल वाटर।
तो इसे आप अगर चाहो तो आप इसमें आप एलोवेरा भी सिर्फ यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप एलोवेरा के साथ साथ आप उसमें दही और लेमन की भी जूस आप मिक्स करके, ये तीन चीज को आप एक साथ भी मिक्स करके लगा सकते हो। एलोवेरा डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, वो ज्यादा फैलने नहीं देती है, वो कंट्रोल करती है। इसे वीक में 2 से 3 बार आप जरूर ट्राई करो। कोई भी चीज के रिजल्ट वन वे में नहीं मिलती, एक ही बार करने पर आपको नहीं मिलेगी, सो इसे वीक में आप 2 से 3 बार आप जरूर ट्राई करें। एंड माई नेक्स्ट रेमेडी इज एग एंड हनी। यहाँ पे आपको एग एंड हनी लेनी है, इसकी मिक्सचर बनानी है, इस पैक को आपको हेयर में आपको लगानी है। आप सभी जानते हो कि एग रिच इन प्रोटीन, इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के साथ साथ हेयर के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड ये जो पैक है आपको डैंड्रफ रिलीफ में भी, मीन डैंड्रफ को हटाने में भी ये पैक काफी हेल्पफुल होते हैं, काफी मदद करती हैं। तो इस पैक को भी आप बना के आप बच्चे के हेयर में, और साथ ही साथ अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी ये यूज कर सकते हो। सो इस पैक को आपके बच्चे के हेड में आपको अच्छे से मसाज करनी है फ्यू मिनट्स तक, कुछ समय तक। एंड उसके बाद आपको 20 to 30 मिनट्स आप छोड़ दो इसे। एंड उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसे, मीन्स शैम्पू जो आप यूज करते हो, उसे नॉर्मल पानी से आप बच्चे के हेड, मीन्स हेयर को वॉश कर लो। ये प्रोसेस, ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, वीक में इसे 3 टाइम्स आप कर सकते हो, नहीं तो 2 बार भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं जितनी भी होम रेमेडीज मैं डैंड्रफ के लिए मैं बता रही हूँ, वो बच्चे के साथ साथ हम भी कर सकते हैं, इवन मैं भी करती हूं, क्योंकि मुझे समर में और विंटर्स में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत रहती है। नेक्स्ट रेमेडी है कोकोनट ऑयल एंड लेमन जूस। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल लेमन जूस भी यूज कर सकते हो, या उसमें आप कपूर, जो कैम्फर होती है, कपूर होती है, वो भी आप छोटे से टुकड़े को मैश करके आप डाल के इस तीनों के मिक्सचर को आप हेयर में लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा सब, मैं जनरली मैं घर की चीजें, नेचुरल चीजें ही मैं बता रही हूँ, जो मैं खुद भी मैं यूज करती हूँ, अपनी भी बेटी पे मैं यूज करती हूँ। तो यहाँ पे आप चाहो तो कोकोनट ऑयल और लेमन के जूस सिर्फ वैसे भी लगा सकते हो, कोकोनट ऑयल या फिर आप कपूर आप मिक्स करके भी आप लगा सकते हो, या तो आप इस तीनों चीज को आप एक ही पैक आप बना के, मीन्स एक ही जगह पे आप कोकोनट ऑयल, कपूर एंड लेमन जूस, नींबू की जो जूस आती है, उस तीनों की मिक्सचर बना के आप हेयर पे मसाज करो। 20 to 30 मिनट्स आपको छोड़ देनी है, ये नहीं कि 5 मिनट छोड़ दिया फिर नहीं, 20 to 30 मिनट आप छोड़ दो, उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू आप कर दो बच्चे के। सेम चीज हम बड़े भी अपने में ये चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर डैंड्रफ। एंड माय नेक्स्ट रेमेडी इज नीम पेस्ट। बहुत लोग के घर के आगे ही ये पेड़ लगी होती हैं, किन्हीं के घर के आगे नहीं रहती है, नहीं मिल पाती है, तो जिनके यहाँ नहीं हो पाती है आप इसे स्किप कर सकते हो, जिनके पास से आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो आपको, आप क्या कर सकते हो, नीम की पेस्ट बनानी है, उसमें आपको हाफ लेमन आपको स्क्वीज करनी है, उसकी जूस आप निकाल लेनी है। एंड यहाँ पे जो भी मैं आपको लेमन की मैंने जो रेमेडी बताई है, तो लेमन को जो आप जो जूस गाड़ने के बाद जो उसके छिलके रह जाते हैं, उसी से ही डीप करके आपको रूट में रगड़नी है, रब करनी है। ये चीज आप ध्यान रखना, उस छिलके के साथ ही आपको डाल के आपको रगड़नी है, उसे आप एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स के लिए आप छोड़ दो। एंड देन राइज योर बेबी हेयर विथ नॉर्मल वाटर, फिर आपको उसे 20 या आधे घंटे के बाद आपको उसे धो लेनी है। माय नेक्स्ट रेमेडी इज फॉर डैंड्रफ इज बेसन कर्ड एंड लेमन। आप इसे, इस मिक्सचर को भी आप एज अ पैक बना के आप बच्चे के जहां जहां पे रूसी है, ज्यादा अगर रूसी हो गई है तब तो आप इसे पूरे स्काल्प में, हेयर में लगा सकते हो। अगर कहीं कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे नहीं है, तो जहां पे है वहां पे भी ये आप पैक लगा सकते हो। ये भी काफी अच्छी रेमेडी है, आप यूज कर सकते हो फॉर डैंड्रफ कंट्रोल। एंड माई लास्टली होम रेमेडी टिप्स इज बटर। यस, बटर भी काफी अच्छी होती है फॉर डैंड्रफ कंट्रोल। आप बटर को लेके हेयर में, जहां जहां बच्चे पे, बच्चे के हेयर में, स्काल्प में जहां जहां डैंड्रफ जमी हुई है, वहां पे आप ये बटर भी लगा सकते हो। वो भी काफी यूजफुल प्रोसेस रहता है डैंड्रफ कंट्रोल करने के। अब मैं आपको लास्ट टिप्स में ये देना चाहती हूँ, बहुत लोग इसे बोलते हैं ये कॉन्टाजीनियस नहीं है, ये फैलने वाली चीजें नहीं होती है, बट यस इससे होती है। अभी मैंने खुद पे ये चीज इंप्लीमेंट करके देखा कि मेरी बेटी को डैंड्रफ नहीं थी, मुझे है, तो मैं कभी कभी सेम कॉम्ब भी मैं यूज कर लेती हूँ। मैं जो खुद कंघी करती हूँ, तो कभी मैं उसके भी बाल झाड़ने में, पोनीटेल करने में मैं यूज कर लेती हूँ, तो उसे भी मैंने कहीं कहीं पे हेयर पे, स्काल्प में मैंने देखा है कि वाइट वाइट मुझे लगा है,
तो उसे वो चीज थी नहीं, कैसे हो गई है, तो वो मेरे कॉम मैंने सेम उस पे यूज कर दिया वही कॉम, तो उससे उसे हो गई है। इसलिए आप अगर आपको है तो आप बच्चे के कॉम को सेपरेट रखो, अलग रखो उसके लिए। एंड मैं लास्टली मैं एक बात आप लोग को और बताना चाह रही थी कि अगर आप बच्चे के सपोज करो ये तो आप वीक में 2 से 3 बार ये रेमेडी करोगे, ठीक है, एंड कभी आप शैम्पू कर रहे हो तो उसके पहले आप बच्चे को हेयर ऑयल मसाज अच्छे से दो उसके हेयर में, एंड देन आप कॉम्ब से उससे सॉफ्टली सॉफ्टली आप उसके हेयर को आप झाड़ो, सो दैट जो भी व्हाइट फ्लेक्स रहेंगी वो उस कंघी के साथ साथ निकल जाएंगे, देन आप शैम्पू करो। एंड यहाँ पे मैं कुछ शैम्पू भी आपको बता रही हूँ जो डैंड्रफ के लिए यूजफुल होती है। बहुत लोग ये चीज पूछना चाहते हैं कि कौन से शैम्पू यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो यहाँ पे कोको मिस्टिकल शैम्पू आती है एंड प्लस हेयर ऑयल भी आती है बच्चे के ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, तो इस शैम्पू को आप यूज कर सकते हो। एंड इस शैम्पू के साथ आप एक स्पू शैम्पू भी आती है बच्चे के लिए, वो शैम्पू होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड मैं अदर में शैम्पू बताना चाहती हूँ, ये डैंड्रफ के शैम्पू नहीं है तो भी आप यूज़ कर सकते हो ममा अर्थ, ये बच्चे के लिए शैम्पू स्पेशली ये सब बच्चे के लिए शैम्पू जो मैंने आपको बताया है, तो आप इसे बेझिझक आप यूज़ कर सकते हो, सभी अच्छी है। सो गाइज आई होप ये होम रेमेडीज आप लोग को पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने 8 या 9 होम रेमेडीज कुछ बताई होंगी, आप इसमें से जो आपको पसंद आती है वो आप ट्राई कर सकते हो। सीडर वेनेगर वाली, एलोवेरा वाली, बेसन कर्ड एंड लेमन जूस वाली, ये सब रेमेडी बहुत ही अच्छी है। ऑलमोस्ट सभी रेमेडीज अच्छी है, जो आपको सुटेबल लग रहा है आप अपने बच्चे पे कर सकते हो, खुद पे कर सकते हो, आप जरूर ट्राई करना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं बेबी रिलेटेड मैं यूजफुल वीडियो में लाती रहती हूं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।